नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। आज के इस वीडियो में हम IL-76 एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, IL-76 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट फ्लीट का एक मेजर प्लेटफॉर्म है, जिसे सोवियत यूनियन के समय में टैस्केंट एविएशन प्रोडक्शन एसोसिएशन ने बनाया था। ये 4-इंजन टर्बोफैन बेस्ड एक मल्टीपर्पस मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर, ट्रांसपोर्ट और कमांड सेंटर के तौर पर किया जाता है। IL-76 एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट अपने साथ 60,000 केजी तक के पेलोड को कैरी कर सकता है और इसका रेंज 4,000 किलोमीटर का है। वहीं इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर की है। इंडियन एयरफोर्स अभी के समय में ऐसे 17 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करती है। बोइंग के C-17 एयरक्राफ्ट से पहले ये एयरक्राफ्ट दुनिया के बेहतरीन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में जाने जाते थे, लेकिन समय के साथ साथ एयरक्राफ्ट काफ़ी पुराने हो चुके हैं और 38 साल पहले इंडियन एयरफोर्स में पहला IL-76 एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया था। इसी कारण से ये आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तुलना में काफ़ी पीछे दिखाई दे रहे हैं। इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी भी घटकर 38% हो गई है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी कम है, क्योंकि मिनिमम सर्विस अवेलेबिलिटी किसी भी एयरक्राफ्ट की 70% से ज़्यादा होनी चाहिए। वहीं इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद C-17 फ्लीट की अवेलेबिलिटी 100% की है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि IL-76 एयरक्राफ्ट के लिए हमें रसिया के तरफ से कभी भी टाइमली स्पेयर को सप्लाई नहीं किया गया। चूंकि ये एयरक्राफ्ट सोवियत यूनियन के समय में बनाए गए थे, जिसका विभाजन 1991 में हो गया था और कुछ हिस्सा रसिया से अलग होकर नए देश बन गए थे, जैसे कि यूक्रेन, जिस वजह से इसके स्पेयर पार्ट्स को सप्लाई करने में रसिया को दिक्कतें आई थी। बिल्कुल ऐसा ही MiG-21 के साथ भी हो रहा है और MiG-21 के क्रैश होने के पीछे भी ये भी एक प्रमुख कारणों में से एक है। स्पेयर पार्ट्स ना होने के कारण हो रही दिक्कतों के वजह से एयरफोर्स एक नए मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान कर रही थी। खास तौर पे बोइंग के C-17 एयरक्राफ्टों को खरीदने का प्लान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किया जा रहा था, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स अभी के समय में 11 बोइंग C-17 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है और IL-76 एयरक्राफ्ट के काम का सारा भार अभी C-17 एयरक्राफ्टों को ही उठाना पड़ रहा है। लेकिन बोइंग C-17 के प्रोडक्शन लाइन बंद हो जाने के कारण अभी इंडियन एयरफोर्स के तरफ से सभी IL-76 को अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है। वैसे IL-17 एयरक्राफ्ट के अपग्रेड के लिए 5 साल पहले भी इंडियन एयरफोर्स को सुझाव दिया गया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स बोइंग C-17 को लेकर कोई खास कदम उठा नहीं पा रही थी। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स के तरफ से जल्द ही 4,000 करोड़ के अपग्रेडेशन प्रपोजल को सामने रखा जाएगा। इस अपग्रेडेशन प्रपोजल में इंडियन एयरफोर्स के तरफ से IL-76 के पुराने D-30KP टर्बोफैन इंजन को रिप्लेस करके नए PS-90-76 टर्बोफैन बाईपास इंजन को लगाया जाएगा। वहीं इसके सभी एवियोनिक सिस्टम को भी मॉडर्नाइज किया जाएगा और ऐसा हुआ तो IL-76 एयरक्राफ्ट की लाइफ साइकिल 15 साल तक बढ़ जाएगी। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद की सेना।